Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 14, parties and the party system of India. Today our topic is problem faced by Congress 1964 to 1971. तो इससे पहले क्या है, हम फर्स्ट थ्री इलेक्शन जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जब मेनली क्या है, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर थे. मेनली पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे. लाल बहादुर शास्त्री का जो टाइम पीरियड था वो काफी कम था, वो टू ईयर के आसपास ही क्या है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे. तो उस समय क्या है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो काफी प्रॉब्लम क्या है फेस करनी पड़ती है कांग्रेस को. तो वो क्या थी और क्या क्या सिचुएशन हुई 1971 तक, और इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टी सिस्टम था और उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सक्सेसर. जो कांग्रेस को प्रॉब्लम आई थी वो थी, एक तो सक्सेसर, आगे चलाने वाली जो पीढ़ी थी या आगे लीडरशिप जो है वो किसको दी जाए, उसकी प्रॉब्लम थी. यानी सक्सेसर नेक्स्ट कौन होगा कांग्रेस पार्टी को. तो 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे. तो थ्री जनरल जो इलेक्शन हुए थे वो उन्हीं के टाइम में हुए थे. तो बेसिकली उस टाइम ये कह सकते हैं कि 75% सीट के आसपास कांग्रेस के पास थी, तो कहीं किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी. सेकेंड आता है, फिर उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री जब आते हैं तो सिचुएशन क्या हो जाती है, थोड़ा सा एक बार सोचने पे मजबूर किया जाता है कांग्रेस पार्टी को कि किसको लीडरशिप दी जाए. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे जो सबसे ये कह सकते हैं कि होनेस्ट पॉलिटिशियन थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे. लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जब आते हैं तो उनके कार्यकाल स्टार्ट होते ही क्या पाकिस्तान के साथ वार हो जाता है 1965 में. उसमें वो क्या है जीतते भी हैं, और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था जय जवान जय किसान का, जिसके बारे में पूछा भी जाता है कि जय जवान जय किसान जो स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया था. तो वो क्या है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा. क्यों दिया था उन्होंने ये स्लोगन, तो उस समय एक तो क्या है बिहार के अंदर मेनली क्या है ड्रोट आया था, अकाल पड़ा था. तो इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि जो खाद्यान्न वगैरह थे उनकी कमी आ रही थी, तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था उसमें, तो जवान उसमें किसानों को मोटिवेट करने के लिए. और दूसरा पाकिस्तान के साथ क्या होती है उस टाइम हमारा वार होता है 1965 के अंदर, तो उस समय क्या है पाकिस्तान से जब कार हो तो रसिया ने इंडिया की क्या है काफ़ी हेल्प भी की थी. चाइना रसिया के प्रेशर के कारण पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पा रहा था, लेकिन अमेरिका ने यूएसए ने क्या है उस टाइम पाकिस्तान की हेल्प की थी. तो उस टाइम जवानों को मोटिवेट करने के लिए क्या है ये स्लोगन दिया गया था जय जवान जय किसान का. लेकिन उनकी डेथ भी क्या है जल्दी हो जाती है, जब इंडिया जीत जाता है तो उसके बाद दोनों के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ये कह सकते हैं कि हम समझौता करवाया जाता है दोनों के बीच में, एक एग्रीमेंट होता है जिसको तास्कन समझौते के नाम से भी जानते हैं, और उसी की अवेज में लाल बहादुर शास्त्री जब वहां पर समझौते के लिए गए तो उनकी डेथ वहीं हो जाती है. यानी कि उनकी डेड बॉडी को ही इंडिया लाया जाता है. तो ये इसमें जो मध्यस्थता कर रहे थे वो रसिया कर रहे थे. कई बार क्या है क्वेश्चन वन मार्क्स में आता है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि जो तास्कन समझौता था उसके बीच में मध्यस्थता की या मिडल की जो रोल प्ले कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो वो रसिया कर रहा था. तो इस तरह से जब दोनों की डेथ हो जाती है, यानी लाल बहादुर की एकदम से अचानक से डेथ होना, उसके बाद क्या एक तरह से प्रॉब्लम आ जाती है कि किसको लीडरशिप चाहिए. कांग्रेस के ज्यादातर नेता या सिंडिकेट जिसको यह कह सकते हैं कि जिसके हाथों में कांग्रेस की ज्यादा कमान थी, जिसमें बड़े बड़े कामराज जैसे लीडर थे, तो वो क्या है चाहते थे कि इंदिरा गांधी क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है और उनको ये लीडरशिप दी जानी चाहिए. लेकिन मोरारजी देसाई इसके पक्ष में नहीं थे, और कुछ उनके साथ जो एमपीज थे वो उनके पक्ष में फेवर में नहीं थे. वो इंदिरा गांधी की लीडरशिप की बजाय मोरारजी देसाई को क्या है लीडरशिप देना चाहते थे. क्योंकि अगर आप बात करें तो सबसे पुराने या एज पर्सन के अंदर क्या है मोरारजी देसाई थे. उनका पहले का जो कैरियर था वो भी काफी अच्छा था, वो इससे पहले सीएम भी रह चुके थे राजनीति में, जबकि इंदिरा गांधी का कोई ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ राज्यसभा की मेंबर रही थी. तो पहली बार कांग्रेस के अंदर 19 जनवरी 1966 को पहली बार कांग्रेस पार्टी के अंदर अंडर उनकी जो कमेटी होती है उसके अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं. ये कांग्रेस पार्टी के इतिहास में था, पहली बार होता. उसके जितने भी मेंबर थे उनमें से क्या है जो वोटिंग करने वाले टोटल में से 355 क्या है इंदिरा गांधी के फेवर में वोट करते हैं, और 169 क्या है मोरारजी देसाई के फेवर में वोट करते हैं, यानी कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट करते हैं. तो इस वजह से क्या है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है. अब प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो 1967 में क्या होने थे जनरल इलेक्शन होने थे. तो 1967 के अंदर क्या है इलेक्शन होते हैं जिसको
फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। अब तक के जो पहले इलेक्शन थे उसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, मेजोरिटी थी, क्लियर मेजोरिटी थी, लेकिन इस टाइम क्या है, कुछ सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल हो जाते हैं। एक तो इसमें से काफी नेता कुछ भाग जाते हैं, कांग्रेस छोड़ करके क्या है चले जाते हैं, वो दूसरी पार्टियां या तो नई पार्टी बना लेते हैं या दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल हो जाते हैं। भारतीय जनसंघ है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इन सब ने मिलकर के क्या है एक अलायंस भी बना लिया था जिसका नाम था ग्रांड अलायंस। ग्रांड अलायंस के बारे में पूछा जाता है जो मतलब दूसरी है, मेनली इसमें नाम लोगे आप भारतीय जनसंघ का, यानी जनसंघ जो पार्टी थी उसका नाम है, एसएसपी का है, कम्युनिस्ट पार्टी का, इन ये सारी पार्टियां मिलकर के ग्रांड अलायंस बनाती है। इसके कारण क्या है, उनका वोट परसेंटेज या सीट परसेंटेज वो है वो पहले से इंक्रीज हो जाता है। तो इस कारण बाकायदा कांग्रेस पार्टी को इसके अंदर क्या है विनर है, यानी सीट उसको अच्छी मिलती है, वो जीत जाती है। लेकिन उसका जो सीट का लेवल था 75% का जो रेशियो था वो कम होकर के 55-53% के आसपास आ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट क्या है कांग्रेस पार्टी की बनती है लेकिन उसका जो सीट थी वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा टोटल 16 जो स्टेट थे वहाँ पर क्या है जो असेंबली, स्टेट असेंबली जो होती है उनके इलेक्शन होते हैं। 16 में से सिर्फ 9 के अंदर कांग्रेस पार्टी क्या अपनी गवर्नमेंट बना पाती है, 7 के अंदर क्या है वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाती, उसको हार का सामना करना पड़ता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे स्टेट ऐसे होते हैं इनके अंदर क्या है कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। कई बार मैप में पूछा जाता है इंडिया का मैप देकर के कि ऐसे दो स्टेट्स बताइए जहां पर क्या है 1967 के अंदर क्या है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये स्टेट ऐसे थे, राजस्थान ऐसा स्टेट था वहां पर क्या है मेजोरिटी नहीं मिलती कांग्रेस को, लेकिन वो मिलजुल करके यानी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के क्या है सरकार बनाई। तो यहीं से क्या है वन पार्टी हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम एकदम से खत्म हो जाता है और बाईपोलिटी सिस्टम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर आ जाता है। कहीं जगह क्या है दो दो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, यानी अलायंस बनने क्या हो जाते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दूसरी नेक्स्ट फिर आती है सिचुएशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब तक का क्या है कांग्रेस का चल रहा था, यहां तक फिर भी ठीक था, इंदिरा गांधी को बना दिया जाता है। लेकिन 1969 में इंदिरा गांधी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब सिंडिकेट नेता जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी को स्टार्टिंग के अंदर प्रेसिडेंट बनाया था, यानी उनका नाम रखा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो एक मोम की गुड़िया यानी कि एक सॉफ्ट रेडी है, मतलब ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये उनके विचारों के विपरीत होता है, अगेंस्ट होता है। इंदिरा गांधी क्या है एक मतलब ऐसी प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बनाना चाहती थी जिस जो एक तरह से आइडल हो। तो सिंडिकेट के जो नेता थे जो ये चाहते थे कि हम अपनी मर्जी से जो भी काम करवा सकते हैं इंदिरा गांधी से करवाएंगे, तो वो क्या हो जाता है गल उनके अगेंस्ट हो जाता है सिस्टम। तो सिंडिकेट नेता जो उनका नाम उठा रहे थे वो भी क्या हो जाते हैं उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उसी टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है 1969 के अंदर। 1969 में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रेसिडेंट का नेम दिया जाता है वो अलग था और इंदिरा गांधी किसी और को। इंदिरा गांधी ने अपना नाम रखा, कांग्रेस पार्टी की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा कि जगजीवन राम जी जो है उनको क्या है कैंडिडेट उठाया जाए, उनकी बात को नकार दिया गया। जबकि सिंडिकेट और मोरारजी देसाई है उन्होंने क्या है नीलम संजीव रेड्डी का नाम रखा और ये घोषणा कर दी कि जो 1969 का जो इलेक्शन है उसमें नीलम संजीव रेड्डी क्या है कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगी। तो इससे क्या दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो इंदिरा गांधी जो इंडिपेंडेंटली खड़े थे, इंडिपेंडेंटली खड़े और जो दूसरी पार्टियां थी जैसे कि भारतीय जनसंघ थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिनको फेवर कर रही थी वीवी गिरी, उनको वोट डलवा देती है यानी उनको सपोर्ट करती है। इनके जितने भी एमपीज थे जो क्या इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो इंदिरा गांधी के फेवर में एमएलए वगैरह थे वो क्या है वीवी गिरी के सपोर्ट के अंदर क्या है वोटिंग करते हैं। इसके कारण वीवी गिरी क्या है इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए गए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आज भी ऐसा ही है जो लीडरशिप पार्टी होती है या जो सत्ता पार्टी होती है जैसे बीजेपी अभी, तो उन्हीं का जो द्वारा नेता जो खड़ा होता है वो ज्यादातर वही इलेक्शन जीतता है। तो नीलम संजीव रेड्डी क्या जाते हैं हार जाते हैं, यहां नीलम संजीव रेड्डी को क्या है मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसके कारण क्या है कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। अब कांग्रेस पार्टी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक कांग्रेस आर और दूसरी कांग्रेस ओ। जो कांग्रेस आर है उसके अंदर इंदिरा और इंदिरा के फेवर वाले लोग होते हैं यानी उसमें शामिल होते हैं, और दूसरी होती है कांग्रेस ओ जिसके अंदर उसके अगेंस्ट वाले होते हैं। अभी तक तो एक ही पार्टी से ना आगे दोबारा भी होगा। तो फिर स्प्लिट
इन द पार्टी, यानी पार्टी के अंदर विघटन। अगला तो वो मैंने बता दिया पार्टी, ये पूरा टॉपिक अलग से भी आएगा। स्प्लिट के रीजन क्या थे, क्या कारण थे, क्यों स्प्लिट किया गया, तो इसके अंदर क्या है, कांग्रेस पार्टी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर क्या है, इंदिरा गांधी की लीडरशिप में काम कर रही थी, कांग्रेस ओ है उसके अंदर जो अदर सिंडिकेट्स के जो नेता वगैरह थे वो काम कर रहे थे। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार था। नेक्स्ट 1971 इलेक्शन या फिफ्थ जनरल इलेक्शन होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से आएगा बाद में। तो 71 के अंदर क्या है, इलेक्शन करवाए जाते हैं, यानी फिफ्थ जनरल इलेक्शन, पांचवें लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो करवाए जाते हैं। और इंदिरा गांधी जी एक स्लोगन देती है, गरीबी हटाओ, यानी पॉवर्टी को रिमूव करो, और उस गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ ही उसकी दोबारा से मेजोरिटी आती है और उसको 73% के आसपास क्या है सीट्स मिलती है। तो इस इलेक्शन में जीत के क्या कारण थे, या इंदिरा गांधी की लीडरशिप की जीत कैसी थी, तो ये दोनों टॉपिक आगे डिटेल से अलग अलग आई। तो ये क्या है, सिचुएशन थी, या आप ये कह सकते हो कि चैलेंजेस थे जो क्या है कांग्रेस फेस करती है 1964 से लेकर के 71 तक। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।